हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड कंपनी के रिलेटेड यहाँ पे क्या नवंबर 26 को इसका यहाँ पे क्या ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे क्या निकल के आया हुआ है। इफ़ अगर आप यहाँ पे नीचे साइड देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे क्या मेंशन आउट किया हुआ है कि कंपनी यहाँ पे इन्फॉर्म करी मीन्स हमको कि क्रिस्टल इंटीग्रेटेड ये जो कंपनी है, कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम दी BMC फ्रॉम ब्रीन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। मीन्स BMC से कंपनी को यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिला, मीन्स अवार्ड कंपनी को दिया गया है। एंड ये ऑर्डर किसने दिया गया यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिया गया, BMC ने। एंड लगभग 1062.99 मिलियंस का दिया गया है ये क्या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, जो कि इंक्लूडिंग है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ एक यहाँ पे कंपनी ने क्या इंक्लूड किया हुआ है। लास्ट थ्री लगभग 3 साल का एक है कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस का डेट दिया गया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने स्कोप ऑफ वर्क भी मेंशन आउट किया गया है, जो कि कंप्रेंसिव अटेंडिंग मैन पावर सर्विस फॉर द BMC एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एमिंग टू इन्हेंसिंग द ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड द मुंबई पब्लिक सर्विस के यहाँ पे क्या दिया गया। टेंडर रेफरेंस भी एक्जैक्टली यहाँ पे क्या मेंशन आउट किया गया है। जैसे ही कंपनी का न्यूज़ निकल गया, कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छा मूवमेंट क्या हमको देखने को मिला है। इफ़ करेंटली अगर आप देखने जाएंगे तो जो शेयर है ना इतने प्राइस पे क्या है ट्रेड हो रहा है करेंटली। यहाँ पे क्या क्रिस्टल इंटीग्रेटेड जो कंपनी है 769 के आसपास ट्रेड हो रही, ऑलमोस्ट 3% आप अपी साइड पकड़िए बिकॉज 2.99% स्टॉक अपसाइड है। शेयर की बात करेंगे, शेयर काफ़ी अच्छा फॉर द लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे कंपनी का अगर आप देखने जाएंगे तो कंपनी का डिविडेंड लगभग 0.20% का है। आर ओ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROCE भी अच्छा खासा 20% एंड 18% का दिया गया है, जो कि लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव के इसमें देखें तो अच्छा खासा नंबर्स क्या दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ग्रोथिंग की। सो यहाँ पे देखेंगे सो कंपनी गुड क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्ट करती है। लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो बोल सकते प्रॉफिट ग्रोथ है 24% का है। एंड कंपनी ने यहाँ पे क्या डेटर्स डे भी अच्छे खासे इंप्रूव किए 106 डे से लेके 79.6 डेज तक का। तो एग्जैक्टली क्या ये क्या इंप्रूव किया गया है। एंड यहाँ पे अगर हम बात कर लेते कंपनी क्वार्टर्स के नंबर्स की, सो पिछले क्वार्टर से लगभग 3 करोड़ के आसपास सेल्स ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट नंबर कंपनी का देखने जाओगे सो लगभग 1 करोड़ के आसपास कम देखने को मिल रहा है, बट प्रॉफिट अच्छा खासा मेंटेन किया है क्वार्टरली वाइज। ईयरली वाइज प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का देखने जाओगे सो इस बार हमको यहाँ पे क्या अच्छा खासा यहाँ पे क्या हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इफ़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पिछले साल 38 करोड़ के प्रॉफिट में थी, वही भी 48 करोड़ प्रॉफिट में चल रही है। ऑलमोस्ट 10 करोड़ का ग्रोथिंग यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है ईयरली वाइज में। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसमें होल्डिंग करोगे सो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिलने के आपके चांसेस हैं। एंड मैंने आपको इसका न्यूज़ भी बता दिया, सो न्यूज़ के बेसिस पे भी अगर आपको इसमें पैसा डालना रहेगा सो आप डाल सकते हो। सो ये था कंपनी का ब्रेकिंग न्यूज़। एंड आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।